हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सारी लेटेस्ट अपडेट और वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी डियर मेंबर्स, जो कंप्यूटर साइंस के लेक्चर का पेपर हुआ है कल, उसकी जो सॉल्व आंसर्स हैं वो की आज हम आप लोगों के सामने सॉल्व करेंगे वो पेपर को, ताकि आप दोस्त कंपेयर कर सकें, जिन्होंने पेपर दिया है कंप्यूटर लेक्चर का वो कंपेयर कर सकें कि उनके आंसर जो हैं वो कितने गलत हैं कितने सही हैं। मैं अपने नॉलेज के मुताबिक इंशाल्लाह कंपेयर करूँगा, क्योंकि मैं खुद BSIT किया हुआ है मैंने, और मेरा MS जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में है। तो आज हम ये पेपर जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और आपको इसका सलूशन इंशाल्लाह प्रोवाइड करेंगे अपने नॉलेज के मुताबिक, और कुछ मैंने सर्च भी किया उसके हिसाब से, ताकि आप दोस्त जो हैं वो कंपेयर भी कर लें। जितने क्वेश्चन मुझे मिले हैं वो मैं आज सॉल्व कर रहा हूँ आपके सामने। डिटेल पे जाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं गवर्नमेंट जॉब्स अनऑफिशियल चैनल पे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पे अपलोड करता हूँ गवर्नमेंट जॉब के बारे में लेटेस्ट अपडेट्स, और यहाँ पे आप लोगों को डाटा प्रोवाइड करता हूँ एग्जाम्स की तैयारी के लिए, ताकि आप लोगों की जो तैयारी है वो अच्छी हो सके और आप PPSC, NTS, FPSC या जो भी एग्जाम देना चाहते हैं उसमें क्वालिफाई कर सकें अच्छे मार्क्स के साथ। तो चलिए मैं आपको डिटेल पर लेके चलता हूँ। यहाँ पे देखें, लेक्चरर कंप्यूटर साइंस BS 17 का जो पेपर 8 नवंबर 2020 को, यानी कि कल हुआ है, उसको हम सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अब्दुल कलाम इशूड अल हिलाल ऑन 13th जुलाई। इसमें ईयर पूछा गया था कि कौन से ईयर में, तो आपने ईयर लगाना था 1912। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, ऑल स्टेट ऑफ वेस्ट पाकिस्तान वर मर्ज 1953, 1954, 1955 और 1956। इसका राइट आंसर जो है वो 1955 है। ये जो आंसर्स हैं वो मैं अपने नॉलेज के मुताबिक दे रहा हूँ, हो सकता है ये जो मेरा सॉल्व किया गया गलत हो, इसको आप लोग, यहाँ मेरी गलती हो आप करेक्ट भी कर सकते हैं। उसके अलावा जो क्वेश्चन मुझसे मिस हुए हैं, मुझे नहीं मिले, वो आप लोग वो भी नीचे वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए, उनका आंसर भी मैं इंशाल्लाह आप लोगों को, अगर मुझे ना पता हुआ तो मैं इंशाल्लाह सर्च आउट करके आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। उसके बाद है, हॉर्स शू बे इज सिचुएटेड इन मैक्सिको USA UK बरमूदा। तो ये हॉर्स शू बे जो है ये USA में है। उसके बाद था, एक्रोपोलिस ऑफ एथेंस इज इन एथेंस, क्योंकि सबको पता है ग्रीस का है, यूनान का, एथेंस जो है वो यूनान में है, तो इसका राइट आंसर जो है वो ग्रीस है। स्क्वायर ऑफ 100 इज 1000, 10000, 1 लाख, 10 लाख। तो इसका जो राइट आंसर है, आपको ये मल्टीप्लाई करने का तरीका कर देने के, जितनी जीरो हों उनको आपस में प्लस कर दें। अगर फॉर एग्जांपल इसका हम स्केयर ले रहे हैं 100 का स्केयर मतलब ये है कि 100 को 100 के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है, तो 2 0s multiply 2 0s 4 0s हो गई, 1 multiply by 1 1 हो गया, यहाँ पे ये 10000 इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद है, 8a² + 13a² इसका राइट आंसर उन्होंने पूछा था, 10a² (4), 104 की पावर 4, 104a² (4), 104a² (2), 21a² (4), 21a² (2). इसको हम सॉल्व ऐसे करते होते हैं कि अगर ये जो हैं कोएफिशिएंट सेम हो तो हम ये सॉरी इनको आई मेरे माइंड में नहीं आ रहा क्या कहते हैं इनके कोएफिशिएंट, ये अगर ये वैल्यू जो है वो सेम हो तो हम कोएफिशिएंट को ऐड कर देते हैं, यानी कि एलिमेंट सेम हो तो हम कोफिशेंट को ऐड कर देते हैं। 13 + 8 जो है वो 21 बनता है, और दोनों ए स्केयर हैं, तो 13 + 8 = 21 a² इसका राइट आंसर जो है वो 21 a² है। मिनिमम एंड मैक्सिमम फ़ॉन्ट साइज ऑफ MS ऑफिस इज, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो फ़ॉन्ट साइज़ है उसको हम मिनिमम छोटा कितना कर सकते हैं और मैक्सिमम कितना बड़ा कर सकते हैं,
तो इसका राइट आंसर है जो मिनिमम हम 1 तक लेके जा सकते हैं और मैक्सिमम 1638 तक। कुछ लोगों ने इसको सेलेक्ट किया है 72, लेकिन 72 इसमें डिफ़ॉल्ट जो है वो 72 तक आता है। यहाँ पे देखें हम 72 तक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम चेंज करके अगर करना चाहें कि फॉर एग्जांपल मैं इसी को ले लूँ, अगर मैं इसको एंड का फॉन्ट साइज़ जो है वो यहाँ पे चेंज करूँ, तो हम देखें 70 मैं यहाँ पे 90 कर देता हूँ, ये देखें ये 90 हो गया। इसी तरह मैं इसको 1200 कर देता हूँ तो ये 1200 हो जाएगा और पेज पे पूरा नहीं आएगा। तो इसी तरह हम वापस इसको लेके आते हैं 30 पे। ये मैक्सिमम जो है वो 1638 तक जा सकता है, क्योंकि हमारे पास ये पेज स्क्रीन छोटी है इसलिए इस पे नहीं आ सकता। यहाँ पे आ जाएं, हाउ वुड यू राउंड अप द वैल्यू 1.6 to 2.0। इसको इसका जो अगर यहाँ पे सीलिंग का जो है वो पूरा दिया जाता, यहाँ पे एल दिया जाता, तो इसका राइट आंसर ये वाला होता, लेकिन क्योंकि इसके स्पेलिंग गलत दिए गए हैं, यहाँ पे पूरा स्पेलिंग नहीं दिया गया, फार्मूला जो है वो पूरा नहीं दिया गया फंक्शन, इसलिए इसको हमने छोड़ दिया। इसका राइट आंसर अब राउंड अप बनता है। अगला क्वेश्चन है, आई बॉट ए ब्यूटीफुल ड्रेस फ्रॉम माल, ब्यूटीफुल इज ए एन, ब्यूटीफुल जो है वो करेक्टिक्स के हिसाब से क्या है, ये प्रेपोजिशन है, नाउन है, एडजेक्टिव है ग्रामर के लिहाज से, या एडवर्ब है। तो ब्यूटीफुल जो है आप लोगों को मालूम है ब्यूटीफुल एक किसी चीज़ की खासियत है, उस ड्रेस की खासियत है जिसको करैक्टरिस्टिक है, और जो चीज़ करैक्टरिस्टिक बयान करे वो एडजेक्टिव कहलाती है, इसलिए इसका राइट आंसर जो है वो एडजेक्टिव है। चेंज ऑफ वॉइस, वाई वाज आई नॉट इन्वाइटेड बाई हिम टू डिनर, इसका राइट आंसर होगा वाई डिड नॉट ही इन्वाइट मी टू डिनर। और आई थिंक पेपर में यहाँ पे वाई डिड ही नॉट लिखा हुआ था, लेकिन इसका ये राइट बनता है। अगर अगर वाई डिड ही हो, मैंने मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, मैंने क्योंकि पेपर नहीं दिया, मेरे तक जो क्वेश्चन पहुंचा है उसके हिसाब से बता रहा हूँ, ये राइट आंसर है। अगर यहाँ पे ये ही था, ही जो है वो वाई डिड से पहले था, फिर इसका नन ऑफ दीज बनता है, फिर ये जो है नन ऑफ दीज आंसर होगा, फिर इनमें से कोई भी ठीक नहीं होगा। What is called the year of birth of हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो बर्थ ईयर है उसको क्या कहा जाता है, आमुल हुजूर, आमुल फील, आमुल काबा, आमुल मक्का। इसको आमुल फील कहा जाता है, यानी कि हाथी का साल यानी कि कहा जाता है, फील का मतलब हाथी होता है, और इसके नाम फील के नाम, फील जो हाथी के नाम पे एक सूरह भी है, सूरह फील। इसका राइट आंसर जो है वो आमुल फील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस अडॉप्टेड इन 1958 इज़ कॉल्ड, जो फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन रनिंग कॉन्स्टिट्यूशन है इस वक्त, जो उनका रनिंग आइन है उसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फिफ्थ रिपब्लिक कहा जाता है। इसका राइट आंसर ए है। उसके बाद है, हाईएस्ट पीक ऑफ कोह हिंदकश, कोह हिंदकश की जो हाईएस्ट पीक है वो तिरचमीर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया इज़ डिसीज़ विच इफेक्ट, मलेरिया जो है वो इसमें क्वेश्चन में जो मल्टीपल ऑप्शन दी गई हैं यहाँ पे, इसका आंसर जो है वो किडनी भी बनता है। मलेरिया जो है वो किडनी को भी डिस्टर्ब करता है, लिवर को भी करता है, स्प्लीन को, लेकिन यहाँ पे ये दोनों आंसर जो हैं वो ठीक बनते हैं, लेकिन मोस्ट मोस्ट करेक्ट आंसर अगर कहें तो मोस्ट एक्यूरेट वो जो है स्प्लीन सेलेक्ट करेंगे हम, क्योंकि स्प्लीन टू रप्टर ये है, मलेरिया जो है वो स्प्लीन टू से रप्टर तक जो है वो डिस्टर्ब कर देता है। केमिकल नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, केमिकल नेम ब्लीचिंग पाउडर का जो केमिकल नेम है वो हाइपोक्लोराइट होता है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। इसका जो राइट आंसर है वो कैल्शियम हाइपोक्लोराइट है। यहाँ पे ऑप्शन दी गई थी कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, क्लोराइड, क्लोरेट एंड क्लोरीन। इसका राइट आंसर ए है। फुल नेम ऑफ सेम इज सब्सक्राइबर इंफॉर्मेशन मॉड्यूल, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। इसमें कुछ ये हो सकता है कि जो ऑप्शन मैं दे रहा हूँ ऑप्शन में कुछ गलत हों, या क्योंकि एग्जैक्ट आंसर हो सकता है एग्जैक्ट ऑप्शन मेरे तक भी ना पहुँची हों, वो कुछ मैंने ऐड कर दी या किसी ने ऐड कर दी, लेकिन जो राइट आंसर होगा वो वही होगा जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। बहुत रेयर चांसेस हैं कि कोई क्वेश्चन गलत हो, अगर कोई गलत हो भी तो आप वीडियो को नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, और अगर जो क्वेश्चन मिस हो गए हैं वो भी आप लोग नीचे वीडियो को कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं।
इसका बी ऑप्शन है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, थर्ड ऑप्शन नॉन ऑफ दिस। इसका राइट आंसर सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल है, जो ये सिम होती है आपके पास, ये उसके बारे में बात कर रहे हैं जो आप मोबाइल में डालते हैं। DSL stands for, DSL है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, DSL जो आप PTCL का इंटरनेट लगवाते हैं, DSL लगवाते हैं, जो उसके बारे में बात हो रही है। हरूफ़ मुकत्तात की तादाद, यहाँ पे लोगों ने काफ़ी सारी गलतियाँ की हैं, उनको पता नहीं चला। अरेबिक के जो टोटल हरूफ मुकत्ता टोटल हरूफ हैं वो 28 हैं, यहाँ पे देखें जो अरबी के टोटल हरूफ हैं वो 28 हैं, लेकिन उनके जो उनको जो हरूफ मुकत्तात जो हैं वो 14 है, जिनको हरूफ मुकत्तात कहा जाता है वो तकरीबन हाफ हैं, वो 14 हैं। इसका राइट आंसर 14 है। रेड स्टैंड फॉर रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट लिस्ट। रेड जो है ये इसका मैं आप लोगों को बता दूं कि जो बड़े सॉफ्टवेयर होते हैं या बड़ा फाइल्स होती हैं जो एक ड्राइव में नहीं आ सकती, उनको शेयर ड्राइव में रखा जाता है या शेयर डिस्क में रखा जाता है। एक ही फाइल को मल्टीपल डिस्क में रखा जाता है, जिसको रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट लिस्ट कहा जाता है। हु टेस्टेड वुहाई मिसाइल, तो ये तो आप लोगों को इसी चीज़ से गेस कर लेना चाहिए था कि जो कोरोना वायरस है वो वुहान सिटी से आया था, वुहान सिटी से फैला था, तो ये आप लोगों को चाइना ही सिलेक्ट करना चाहिए था। इसका आंसर जो है राइट वो चाइना है। DFD टोटल लेवल, DFD के टोटल लेवल तीन होते हैं, 0, 1 और 2, 0, 1 और 2 तीन टोटल लेवल्स होते हैं। इसका राइट आंसर 3 था, आप लोगों ने कुथली 3 ही सिलेक्ट किया होगा। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन पहुँचे हैं मेरे तक, अगर आपको और क्वेश्चन हैं आपके पास जो आप जिनका आंसर जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे वो क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट ऑप्शन के साथ पोस्ट कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, ताकि मैं वो आपको बता सकूं कि उसका राइट आंसर क्या है। अगर मुझे नहीं भी मालूम होगा तो मैं इंशाल्लाह सर्च करके करेक्ट आंसर जो है वो आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, यहाँ भी आपके अकाउंट्स हैं, ताकि बाकी लोगों तक भी ये वीडियो पहुँचे और वो भी अपना पेपर जो है वो कंपेयर कर सकें कि उनका पेपर कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ है। थैंक यू।